JSSC CGL पेपर लीक के मामले में अखिल झारखंड छात्र संघ की एक टीम गुरुवार को DC ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस बाबत संघ के जिला अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि झारखंड सरकार से JSSC CGL पेपर लीक मामले की जांच CBI से कराई जाने की मांग को लेकर ये लोग उपायुक्त कार्यालय आए और ज्ञापन सौंपा है। बताया कि अखिल झारखंड संघ का अभी चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य भर में आंदोलन को लेकर राज्य के सभी जिलों में उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके बाद अखिल झारखंड छात्र संघ का 17 फरवरी को राजभवन घेराव का भी कार्यक्रम है। संघ की मांग है कि इस गंभीर मामले में राज्य सरकार ने जाँच के लिए एक SIT बैठाई है, वह इस जाँच के लिए पर्याप्त नहीं है। पेपर लीक को लेकर जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं उसके संकेत साफ है कि इसके तार कई जगहों और कथित तौर पर खास लोगों से जुड़े हैं। साथ ही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की यह एक सुनियोजित साजिश भी है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस मामले में अंतर्राज्य किसी बड़े गिरोह का हाथ है और उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। संघ की यह भी मांग है कि तत्काल परीक्षा एजेंसी को काली सूची में डाला जाए एवं झारखंड नकल कानून के तहत मुकम्मल कार्रवाई हो। मौके पर संघ के जिला प्रभारी विनोद रजक, प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन, सह सचिव अनिल यादव, मोहम्मद नौशाद, पंकज यादव, दानिश आदि उपस्थित थे। आज आसू छात्र संघ की एक टीम उपायुक्त कार्यालय गिरिडीह पहुँची हुई है। इससे अभी आप जान रहे हैं कि आसू छात्र संघ पूरे राज्य भर में JSSC CGL पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रही है। उसी को देखते हुए आज हम लोग उपायुक्त को एक ज्ञापन देने आए हैं जो महामहिम राज्यपाल के नाम पे है, और इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग पेपर लीक जो हुआ है उसकी CBI जांच करने की मांग करेंगे। अभी आप लोग सबको पता होगा कि इस मामले में अभी जो SIT का गठन हुआ है वो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है गठन, लेकिन उस गठन में हम लोग को अभी संतुष्ट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े अफसर और राजनीतिक दल के लोग भी और बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी भी इसमें शामिल होने की आशंका है। तो ऐसे में SIT की टीम पूरी तरह से जांच सही ढंग से कर सके ऐसा उम्मीद कम है। तो हम लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, और उच्च स्तरीय जांच में CBI जांच की मांग करते हैं। अगर CBI जांच की मांग हो जाती है और अगर जांच होती है तो कहीं ना कहीं इसमें दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इससे आने वाले दिन में जो आने वाले परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी करते हैं छात्र, उसे बहुत ही फायदा होगा क्योंकि फिर से ऐसा जल्दी से कोई लीक करने का कोशिश नहीं करेंगे। और जो मेधावी छात्र हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगा। इसीलिए हम लोग इसका CBI जांच करने की मांग कर रहे हैं।